आज का जो लेक्चर है ये सेंटर ऑफ मास से ही रिलेटेड है, बट ये वाला जो लेक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ वो एस्पिरेंट्स के लिए काम का है जो लोग आईआईटी जेई या फिर केवीपीवाई के लिए एस्पायर कर रहे हैं। इसका नीट में कोई यूसेज नहीं है। नीट नीट के क्वेश्चंस में, नीट के जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसका कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए जो लोग स्ट्रिक्टली अपने आप को नीट पे फोकस करके रखना चाहते हैं वो इस सेक्शन को आराम से या इस वीडियो को पूरा का पूरा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको एक आज जो चीज सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है जिसको हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि एक सिस्टम ऑफ मासेस है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, एक बाउंड्री बना रखा है मैंने डॉटेड लाइन से, उसमें एन नंबर ऑफ मासेस है, मान लो M1, M2, M3, M4, Mn करके, और सारे मासेस अलग अलग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, V1, V2, V3, V4, Vn तक। तो सारे की इंडिविजुअल वेलोसिटी जो है वो किसी भी एक फ्रेम से है, किसी भी एक फ्रेम से मान लेते हैं। मान लेते हैं वो फ्रेम अभी फिलहाल के लिए हम ग्राउंड फ्रेम ही मान लेते हैं कि ग्राउंड के फ्रेम में मुझे ये वेलोसिटीज दे रखे हैं। तो मान लो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी हो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ MIVI डिवाइड बाय समेशन MI, मतलब M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 अकॉर्डिंगली। तो इससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल गई है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इन सभी मासेस का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप बताओ कितनी आएगी, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपको ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी पता है उससे आपको सेंटर ऑफ मास की फ्रेम को वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। मतलब V1c अगर हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास M1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सो दैट विल बी V1 माइनस V3। सिमिलरली हमने सारे मासेस के लिए वैसे ही वेलोसिटीज लिख दी है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अब अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में अगर सारे वेलोसिटीज को अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के साथ वेलोसिटी को रिलेट करूं, जैसे V1 अगर ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी है तो उसको अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम के वेलोसिटी के साथ रिलेट करना चाहता हूं, तो फिर उस केस में अकॉर्डिंगली आपको V1c प्लस VC, V2c प्लस VC ऐसे करके आपको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर इंडिविजुअल वेलोसिटीज V1c V2c V3c VnC पता है तो उसका ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी को उसमें एक वेक्टोरियली ऐड करनी पड़ेगी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ग्राउंड फ्रेम में इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो इसको मैंने KEG से इंडिकेट किया है, और ये KEG की वैल्यू देखोगे अगर तो हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर करके अकॉर्डिंगली आप ऐड करते चले जाओ। अब ये जब किसी भी वेक्टर का जब हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं, तो वेक्टर का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, उसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करना। जैसे ए डॉट ए अगर हमने लिखा है, देखो यहाँ पे ए डॉट ए, तो इसको आप कैसे लिखते हो, ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि वेक्टर ए का स्क्वायर लिखना मतलब कि वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ही करना है, क्योंकि खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री दैट विल बी 1, सो ए स्क्वायर ही आ रहा है। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे देखो, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, Vn स्क्वायर जो है उनको मैंने जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो वेलोसिटीज निकाले थे उसके साथ सेंटर ऑफ मास फ्रेम को वेक्टोरियली ऐड करने के बाद जस्ट स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब स्क्वायर करने के बाद मैंने उस एक्सप्रेशन को ओपन अप किया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ab 2ab cos थीटा जो होगा उसमें इस ऑफ a डॉट b हमने, तो c स्क्वायर प्लस vc स्क्वायर प्लस 2 into v1 वेक्टर v1 c वेक्टर डॉट vc वेक्टर। ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंगली सारे एक्सप्रेशन के लिखा। अब जो एक्सप्रेशंस एक साथ कॉम्बाइन हो रहे हैं उनको एक साथ अलग रखेंगे। कॉम्बाइन होने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप देखोगे तो V1c, V2c, V3c, VnC ये सारे क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इंडिविजुअल वेलोसिटीज। तो हाफ M1 V1c का स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम होगा। सिमिलरली हाफ M2 V2c का स्क्वायर दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सिमिलरली हाफ MN VN स्क्वायर दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ MN nth मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सो ये जो ऑरेंज कलर से देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, ये quantity क्या indicate कर रहा है, kinetic energy of this system in center of mass। ठीक है, उसके बाद फिर देखो VC का square तो सारे expression में common है, तो half of M1 plus M2 plus M3 plus MN कर लिया and VC का square कर लिया। तो ये green color के highlighter से जो आपको दिख रहा है वो basically आपका, अगर आप notice करोगे तो half of total mass into velocity of center of mass का square आ रहा है। इसका मतलब इस simply तो half of total mass into velocity of center of mass का square किया हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो डॉट प्रोडक्ट वाला जो एक्सप्रेशन था उसमें से अगर आप नोटिस करें तो 2 कैंसिल आउट है, उसकी एक्सप्रेशन बच रही है, ये बच रही है m1 into v1c वेक्टर डॉट vc वेक्टर प्लस m2 into v2c वेक्टर डॉट vc वेक्टर, ऐसे करके nth मास के लिए भी कर लिया। vc वेक्टर सबके लिए कॉमन है, vc ऑल ऑफ देम, तो vc वेक्टर को मैंने कॉमन करके बाहर भी निकाल लिया। ठीक है, देखो ये ब्लू कलर से मैंने दिखा रखा है, देखो एरो मार्क से करके रखा है। ठीक है, तो vc वेक्टर मैंने बाहर निकाला है,
तो आपके पास एक्सप्रेशन जो बच रहा है ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, m1 into v1 c vector plus m v2 c vector plus m n vn c vector. अब ये अगर लॉजिकली सोचोगे तो क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे v1c was the velocity of first mass with respect to center of mass, v2c was the velocity of second mass with respect to center of mass. So m1 into v1 becomes momentum of m1 with respect to center of mass, m2 into v2c becomes momentum of m2 with respect to center of mass. So सबको जब आप vectorially add कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है linear momentum of the system with respect to center of mass. Linear momentum of system with respect to center of mass कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप total mass of the system multiplied with velocity of center of mass भी कर सकते हो with respect to center of mass. क्यों? क्योंकि आप center of mass पे ही तो बैठे हो ना, क्योंकि ये देखो expression जो आप लिख रहे हो उसमें क्या लिखा है आपने, v1c, m2, v2c, mn, vnc. इसका मतलब ये सारा momentum जो individually masses का हमने calculate किया है और vectors हम कर रहे हैं ये with respect to center of mass ही कर रहे हैं. और हमारा frame of reference कहाँ है? Center of mass ही है. तो सेंटर ऑफ मास में बैठ के अगर सिस्टम का मोमेंटम निकालोगे तो इनडायरेक्टली आपको क्या करते हैं, आप याद करो हमारा सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या था, सेंटर ऑफ मास वाज वन सच पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड. तो अगर सारा का सारा मास को आप वहां पे कंसंट्रेट कर दोगे तो उससे आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा. और सेंटर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो भी होगा, नॉन जीरो हो चाहे जीरो हो, बट अगर आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ के अगर उसको देख रहे हो तब तो आपको वेलोसिटी जीरो ही दिखेगा ना, जीरो के अलावा तो और कुछ नहीं दिख सकता. तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर आप बैठ के सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालोगे तो वो पक्का है आपका जीरो ही आएगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ठीक है, सो ये चीज हमने यहाँ पे देखो इंडिकेट कर रखा है कि सेंटर ऑफ मास इज अ जीरो मोमेंटम फ्रेम. तो ये एकदम श्योर होकर कह सकते हैं कि सेंटर मास पे ही बैठ के अगर सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जीरो ही आएगा. तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन आया, देखो ये जो एक्सप्रेशन आ रही थी, हमने काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम कैलकुलेट करना शुरू किया था और उससे दो एक्सप्रेशन बचाए, एक है ऑरेंज वाला और एक है ग्रीन वाला. ऑरेंज वाला आपको ऑलरेडी बताया वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम. और ग्रीन वाला क्या इंडिकेट कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास था इन ग्राउंड फ्रेम. ऑरेंज वाली थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड ग्रीन वाली थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन ग्राउंड फ्रेम. ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख रहे हैं, फाइनल रिजल्ट जो है वो यही है. ये काइनेटिक एनर्जी अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में निकाल रहा था तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आई है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी ऑन सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आई है. ठीक है, अब इसी को ये ग्राउंड फ्रेम नहीं करके आप किसी भी सिस्टम में किसी भी फ्रेम में लिख सकते हैं, मतलब किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी फ्रेम में कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस ग्राउंड को हटा के आप किसी भी एक फ्रेम को डाल दीजिए उसमें. सो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सी ऑन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी ऑन विद रिस्पेक्ट टू चोजन फ्रेम. दैट्स इट. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए. अब एक चीज सोच के देखो, जैसे अगर सपोजली मान लो कि ये रहो कि आपके पास एक ऐसा सिचुएशन दिखता है जहां पे आपको ये है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू यू नो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आप कैलकुलेट करते हो सपोजली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर बैठ के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालोगे तब तो जीरो आएगा. इसका मतलब आपका चोजन फ्रेम अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आपको जीरो दिखेगी. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सीओएम विद रिस्पेक्ट टू चोजन फ्रेम कितनी दिखेगी आपको, सोचो, वो जीरो दिखेगी नहीं दिखेगी. तो ये आरएचएस का जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो वाला जीरो आ जाएगा और फर्स्ट एक्सप्रेशन नॉन जीरो रहेगा. तो इससे एक चीज आप श्योर होकर कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जब भी आप सीओएम फ्रेम में कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा सबसे कम वाला एक्सप्रेशन आएगा, मतलब मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा उसके इसमें, क्योंकि जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो तो जीरो ही हो जाना है. सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के जब भी आप सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमेशा सबसे कम आएगा. बाकी किसी भी फ्रेम में कैलकुलेट करोगे तो सीओएम फ्रेम से पक्का है ज्यादा आएगा. इसी वजह से हम कहते हैं कि सीओएम फ्रेम इज द फ्रेम ऑफ लीस्ट काइनेटिक एनर्जी. सीओएम फ्रेम जो अपना आएगा वो अपना सबसे लीस्ट एनर्जी का फ्रेम होता है. एक दूसरी चीज और भी सोच करेंगे, सपोजिटली इमेजिन करो कि ऐसा एक सिचुएशन देख रहा है जहां पे कोई भी एक सिस्टम ऑफ मासेस है और उस पे मान लो कि कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, बट पहले से मान लो सिस्टम के पास कुछ इनर्शिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सपोजली पहले से इनर्शिया था भी मान लेते हैं, पहले से इनर्शिया था, इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास के पास मान लो कि पहले से कोई एक वेलोसिटी थी, बट उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अब मैंने नहीं लगाए, ठीक है, बट इंटरनल फोर्सेस की वजह से इंडिविजुअल मासेस की वेलोसिटी तो चेंज कर सकती है. जैसे दो स्प्रिंग से एक स्प्रिंग से दो ब्लॉक कनेक्ट कर दिया एंड पुश करके छोड़ दिए, उसके इसमें इंटरनल फोर्सेस दोनों को चेंज करेंगे बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते. तो अब एक चीज लॉजिकली से देखो, अगर सपोजली ऐसे सोचो कि काइनेटिक एनर्जी का मुझे चेंज निकालना है सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है, अब वो क्यों बात कर रहा हूं, देखो क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं ना जहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी का लॉस पोटेंशियल एनर्जी का गेन या काइनेटिक एनर्जी का गेन पोटेंशियल एनर्जी का लॉस ऐसे इक्वेट करना होता है, राइट?
तो इस केस में आप सोच के देखो, सपोजिटली ऐसा एक सिचुएशन दिख रहा है आपको जहां पे सेंटर ऑफ मास अनएक्सेलरेटेड है, मतलब सेंटर ऑफ मास पे, मतलब जो सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है, तो चीफ ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू यू नो सेंटर ऑफ मास अगर हम निकाले, मतलब जैसे अगर सोच के देखो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो तो चेंज नहीं कर रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं कर रही, क्यों बोला मैंने, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, क्योंकि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी हम चेंज नहीं कर सकते, बट इंडिविजुअल मासेस की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करके आप सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर ये एक्सप्रेशन में सोचो, ये जो ग्रीन बॉक्स में जो एक्सप्रेशन बना हुआ है इसी में अगर मैं चेंज निकालूं, सोचो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम will be equal to change in kinetic energy of system with respect to center of mass frame, with respect to center of mass frame, plus change in kinetic energy of center of mass with respect to chosen frame. I hope you are getting this. ठीक है? अब with respect to chosen frame change of kinetic energy of center of mass नहीं है, क्योंकि मैंने आपको already बोला कि कोई net external force उसमें नहीं लगी थी। या फिर आप ये बता सकते हैं कि initial velocity और final velocity अगर same है तब ये लिख सकते हैं। इसका मतलब कि change of kinetic energy with respect to any frame will be equal to change of kinetic energy with respect to C1. That's it. समझ आ रही है? ये तभी कह सकते हैं जब initial velocity of center of mass and final velocity of center of mass same है, या फिर कोई net external force आपके system पे नहीं लग रही थी। I hope you're getting this. ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। concept को आगे फिर आप उसे और use करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो अभी तक मैंने generalize किया उसमें मतलब n masses हो सकते थे, मतलब जितने भी चाहे उतने masses हम ले सकते थे। बट मैं अब अपने एनालिसिस को सिर्फ दो पार्टिकल सिस्टम पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माइसेल्फ टू टू पार्टिकल सिस्टम नाउ। अब दो पार्टिकल सिस्टम पे क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके दो पार्टिकल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपके सिर्फ दो पार्टिकल ही इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे यू नो क्वेश्चंस में आते हैं। तो मान लो कि ऐसे दो मासेस हम दिखा रहे हैं M1 M2, उनके इवन वी है, दोनों के तो वो V1C आ गए और V2C आ गए, ये आपको निकालना आता है ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। तो देखो एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने M1 मास का जो वेलोसिटी दिखा रखा है और M2 मास का जो वेलोसिटी दिखा रखा है विद रिस्पेक्ट टू CM, देखो मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है। क्यों? क्योंकि पता है मुझे सेंटर ऑफ मास फ्रेम जीरो मोमेंटम फ्रेम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में M1 मास का भी मोमेंट दिखेगा, इक्वल ऑपोजिट के दूसरे भी मोमेंटम दिखना ही चाहिए, नहीं तो फिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम जीरो कैसे आएगी। तो वो चीज मैंने वहां पे दिखा रखा है। देखो सेकंड डायग्राम में इक्वल एंड ऑपोजिट, फर्स्ट डायग्राम में दे आर इन आर्बिट्रेशन, बट सेकंड डायग्राम में दे विल ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया हुआ यहाँ पे। देखो VC velocity of center of mass है, वो M1 V1 plus M2 V2 divided by M1 plus M2 करके निकाल लिया, V1C निकाला V1 minus VC करके। तो अगर आप notice करोगे तो V1C की value निकल गई, यहाँ से P1C भी निकल गया, मतलब P1C मतलब linear momentum of M1 in center of mass frame, तो वो आ गया M1 into V1C vector। तो ये आ गया, देखो ये देखोगे अगर expression देखोगे तो M1 M2 by M1 plus M2 into V1 vector minus V2 vector आ रहा है, which is basically reduced mass into relative velocity। Similarly अगर आपने P2C calculate किया तो वो भी देखो म्यू इनटू वी रिलेटिव आ रहा है, बट वी रिलेटिव एक यू नो नेगेटिव पोलैरिटी का डिफरेंस है, मतलब जब हमने P1C निकाला तो V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर आ रहा है, और जब हमने P2C निकाला तो V2 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब कि अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर मुझे सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो P1C प्लस P2C वेक्टर करें और वो तो जीरो आ जाएगा। तो इसमें आप एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखना कि जब भी हम इंडिविजुअली यू नो दो जैसे दो मासेस लेते हैं और उन दोनों को आर्बिट्रली आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करा दो, बट सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब भी इन दोनों की आपको इंडिविजुअली मोमेंटम निकालनी है तो वो म्यू इनटू वी रिलेटिव होगी। बस इतना याद रखिए मैग्नीट्यूड में म्यू इनटू वी रिलेटिव, ये मैंने एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख भी रखा है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, P1C और P2C का वैल्यू देख लो, म्यू इनटू वी रिलेटिव है, ठीक है मैग्नीट्यूड में। अब अगर जो भी यू नो डायरेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग तो आप वी रिलेटिव तो निकाल ही सकते हैं आराम से। ठीक है, कुछ ध्यान रखेंगे आप। अगर आप काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर कैलकुलेट करते हो, सपोज इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर रहे हो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको कैलकुलेट करना है तो हाफ M1 V1C स्क्वायर किया प्लस हाफ M2 V2C स्क्वायर किया, या फिर आप P स्क्वायर बाय 2M भी यूज कर सकते हैं। P स्क्वायर बाय 2M क्यों प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि P1C और P2C का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, म्यू इनटू वी रिलेटिव, तो यहाँ से कैलकुलेशन आसान दिखेगा। तो इसको मैंने यूज किया यहाँ पे, देखो P1C और P2C का वैल्यू दोनों का आपको पता है म्यू इनटू वी रिलेटिव है, उसको यूज कर लिया मैं यहाँ पे मैंने। तो फाइनली एक्सप्रेशन जो आया, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम कितनी आ रही है, हाफ
म्यू इनटू वी रिलेटिव स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखनी है। आप याद करो ऐसा एक्सप्रेशन और भी कहीं पे आपने शायद पढ़ा है, आपको याद है कहाँ पे? हाँ ठीक याद आ रहा है आप सभी को, कहाँ पे पढ़ा है? कोलिजन में, राइट? कोलिजन में जब हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कंसिडर करते थे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो आपको याद है मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालते थे तो वो कितना आता था? हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, याद है? अब इसको थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करो। मैंने अभी वो थोड़ी देर पहले एक चीज बात बताई थी, याद है आपको, कि जब भी सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फेयर वो जीरो रहेगी कोलिजन में भी। इंडिविजुअल मासेस की वेलोसिटी चेंज कर रही है, इसलिए चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम भी हुआ है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर कैलकुलेट करोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करोगे, ग्राउंड फ्रेम में कैलकुलेट करो या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैलकुलेट करो, वो सेम आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपने चेंज नहीं की है। ये सोच रहे हो ये एक्सप्रेशन हाफ इंटू म्यू इंटू रिलेटिव स्क्वायर, ये तो हमने निकाल लिया है काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अब ये सोच के देखो इस एक्सप्रेशन को वहां पे कैसे कोरिलेट करें। सोचो कि अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में कैलकुलेट करूं काइनेटिक एनर्जी का चेंज, दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम आल्सो। नाउ अब काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास इनिशियली वाज हाफ इनटू म्यू इनटू यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर, मतलब यू रिलेटिव का स्क्वायर, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। बट फाइनली जब दोनों चिपक गए, आप सोच के देखो दोनों चिपक के जब चल रहे हैं, तो दोनों के चिपक के चलने के बाद क्या कोई रिलेटिव वेलोसिटी है? नहीं है। और रिलेटिव वेलोसिटी अगर नहीं होगा, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम कितनी है? जीरो है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास की फ्रेम कितनी है? हाफ म्यू इनटू यू रिलेटिव का स्क्वायर। और ये एकदम तुरंत से आ गया, आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखो कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, दो पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जब भी हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैलकुलेट करते हैं तो वो हाफ इंटू म्यू इंटू यू का स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने उस चीज को जो चीज वहां पे बताई थी उसी चीज यहाँ पे एक बार रेड कर, यू नो, बॉक्स में बंद करके ये रेड कलर से लिख भी रखा है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ COM इन चोजन फ्रेम विल बी कांस्टेंट इफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अनचेंज्ड, व्हिच कैन हैपन इफ देयर आर नो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ मासेस। ठीक है, एंड देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम will be equal to change in kinetic energy of system in center of mass frame. ठीक है, अब मैं इस पे सीधे से इसके applications पे चले जाता हूँ। ठीक है, I'll just go into applications of these concept. सबसे पहला example देखो, यहाँ पे मैंने एक दिखा रखा है, एक trolley है जिसका mass capital में रखा है और उस trolley के ceiling से मैंने क्या कर रखा है, एक pendulum bob लटका रखा है। ठीक है, pendulum bob जो pendulum का string है वो string horizontal position पे और bob का mass small m दिखा रखा है। मैं इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज कर रहा हूँ, सरफेस पूरा स्मूथ है, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉब एंड ट्रॉली व्हेन दिस स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, ये निकालना है, मतलब स्ट्रिंग जब वर्टिकल हो जाएगा तब का दोनों का वेलोसिटी निकालना है। दूसरा है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा जब ये स्ट्रिंग पूरा का पूरा वर्टिकल हो चुका होगा। ठीक है, दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये देखो मैंने जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जा रहा है तब का सिचुएशन दिखा रखा है। ठीक है, अगर पेंडुलम बॉब लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो फिर आपका जो ट्रॉली है वो राइट की तरफ जाएगा। अब वो क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि इस सिस्टम पे, कॉम्बाइंड सिस्टम पे देखो, स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो तो इंटरनल फोर्स है और जो भी बाकी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो कहाँ पे है? ग्रेविटी है और नॉर्मल रिएक्शन है और वो दोनों ही वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब जो सिस्टम आपका सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे आएगा वो ग्रेविटी की वजह से आएगा क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स है। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो सिस्टम आपका हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं कर सकता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, तो पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो यही डायग्राम में मैंने दिखा रखा है, देखो, तो बॉब अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से और ट्रॉली अगर राइट की तरफ जा रहा है v2 वेलोसिटी से, तो उस केस में स्मॉल m into v1 और कैपिटल m into v2 ये आपका सेम होना चाहिए क्योंकि मोमेंटम ऑफ सिस्टम आपका जीरो है। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो है एंड बाद की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो है। तो इससे अभी आपने क्या सीखा था कि ग्राउंड फ्रेम में जब हम चेंज कैलकुलेट करेंगे और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों ही सेम आएगा। तो फिर इस केस में काइनेटिक एनर्जी की गेन कितनी हुई है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में? हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। एंड इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो थी, तो फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आपका कुछ भी नहीं था वहां पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में।
एंड पोटेंशियल एनर्जी का लॉस तो आपको दिख ही रहा है, एमजीएल पे देखो ने क्या क्या है, हाफ म्यू टू वी रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू एमजीएल कर लिया। देखो एक लाइन में यहां पे वी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करके दिखाए थे, बट वहां पे दो स्टेप में कैलकुलेशंस करता था मैं। एक से पहला ये होता था कि हम लोग क्या करते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखते थे और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन इन ग्राउंड फ्रेम लिखते थे। और एनर्जी कंजर्वेशन जब आप ग्राउंड फ्रेम में लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ ऑफ स्मॉल एम इनटू वी1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ कैपिटल एम इनटू वी2 स्क्वायर इक्वल टू एमजीएल, और स्मॉल एम वी1 इक्वल टू कैपिटल एम वी2। ये एक रिलेशन तो है ही आपके पास, तो यहां से वी1 को या वी2 को किसी एक को एलिमिनेट करोगे तो दूसरा वैल्यू मिल जाएगा, एंड एक का वैल्यू मिल गया तो दूसरा भी मिल जाएगा, और दूसरा मिल गया तो उसके बाद फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आपको रिवर्ट एंड ऐड मतलब वी1 प्लस वी2 करना पड़ेगा। ये काफी लंबा होगा, जबकि ये देखो ये मुझे एक लाइन में दे चुका है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे उसने हमसे ये पूछा था कि आप ये बताओ कि इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा जब ये स्ट्रिंग पूरा का पूरा वर्टिकल हो चुका होगा। अब देखो एक चीज सोच के देखो कि जैसे आपको ये पता है कि बॉब का एक्सेलरेशन कितना है, अगर आप बॉब की एक्सेलरेशन को सपोज किसी ने बॉब की एक्सेलरेशन को अगर इमेजिन करो कि ऐसे लिख दिया कि V2 का हमने उसका बॉब का कितना वेलोसिटी माना था, V1 माना था, तो सपोजली हमने उस वेलोसिटी को सपोजली V एक्सेलरेशन को V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L कर दिया और ये बोल दिया ये एक्सेलरेशन ऑफ M होगा। तो ये अगर किसी ने किया तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्यों का सोच के देखो, क्यों, क्योंकि V1 का स्क्वायर बाय L आप तभी भी बोल सकते थे एक्सेलरेशन जब फिक्स था, या तो आपका ऊपर का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहां से बॉब लटका हुआ है अगर वो फिक्स हो तभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका L रहेगा, बट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वो तो खुद ही शिफ्ट कर रहा है, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर शिफ्ट कर रहा है तो उस केस में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एल नहीं हो सकता है, दिस कैन नॉट बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एल है ही नहीं तो V1 का स्क्वायर बाय एल आप कैसे करोगे, यू कैन नॉट डू दैट। तो अब आपको ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। तो अब आपके पास सिंपल सोल्यूशन क्या है कि मैंने क्या बोला अभी आपको कि अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फिक्स होता तब आप लिख सकते थे कि V1 का स्क्वायर बाय एल होगा एक्सेलरेशन, तो क्यों ना ऐसा करें कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को फिक्स बना दें। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे ही देखो मैंने अपने फ्रेम को फिक्स किया, देखो इंसान को मैंने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे खड़ा किया है, आप नोटिस करो एक बार, देखो मैं हाइलाइटर से दिखा रहा हूं, देखो इंसान देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे खड़ा है, बट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे खड़ा होगा तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा था, तो v2 वेलोसिटी से जब वो मूव कर रहा था तो रिवर्ट एंड ऐड करोगे तब तो आपको वेलोसिटी जो बॉब की दिखेगी वो v1 प्लस v2 दिखेगी और वो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा वहां पे, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको लेफ्ट की तरफ दिखेगा बॉब का। एंड अब इसके रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं कि यू नो एक्सेलरेशन मुझे बॉब की कितनी दिखेगी, वी रिलेटिव का स्क्वायर बाय एल आएगा। तो अब आप डायनेमिक्स की इक्वेशन लिख सकते हैं टी माइनस ऑफ एम जी इक्वल टू एम इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर बाय एल कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट कॉशियस रहना कि जब भी हम किसी फ्रेम पे बैठते हैं तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का ही हमें ध्यान रखना पड़ता है, दोनों का ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो मुझे सूडो फोर्स भी तो लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे देखो डायग्राम में मैंने सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस लिए हैं, टी और एमजी लिया है जो कि रियल फोर्सेस है, तो सूडो फोर्स लिया या नहीं लिया, या छूट गया या फिर जानबूझ के छोड़ा। अब ये सोचो आप, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ट्रॉली का जो लोकस है वो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो सर्फेस पे ही चल रहा है। अब इनिशियली अगर आप देखोगे इनिशियली मतलब जब वो इंक्लाइंड होगा, सेकंड डायग्राम को देखो, इस पेज का सेकंड डायग्राम देखो, जब स्ट्रिंग इंक्लाइंड होगा तब आप देखो ट्रॉली का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉन जीरो है, क्योंकि स्ट्रिंग का एक टेंशन है टी और वो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा आपके ट्रॉली को एक्सेलरेट करा रहा है। सो हॉरिजॉन्टली आपका ट्रॉली जो है वो एक्सेलरेटेड है इन द स्टेजेस इन बिटवीन दिस इन द स्टेजेस इन बिटवीन वेयर द स्ट्रिंग वाज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिसको भी बोल दो। बट वंस द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल आप देखो इसमें फोर्सेस क्या है, सिर्फ वर्टिकल है या नहीं है, है या नहीं है वर्टिकल सर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आपके ट्रॉली के ऊपर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं है ना। और अगर ट्रॉली पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या आपका ट्रॉली एक्सेलरेट कर सकता है हॉरिजॉन्टली, नहीं। वर्टिकली एक्सेलरेट कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि उसका लोकस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। तो ट्रॉली आपका हॉरिजॉन्टली भी एक्सेलरेटेड नहीं है और वर्टिकली भी एक्सेलरेटेड नहीं है, इसका मतलब ट्रॉली इज अनएक्सेलरेटेड फ्रेम। इसका मतलब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जो भी एक्सेलरेशन है v रिलेटिव टू स्क्वायर बाय l दैट वाज एक्चुअली द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आल्सो। इसका मतलब कि v रिलेटिव का स्क्वायर बाय l को हम v1 का स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वेट करके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ भी निकाल सकते थे। आई होप यू गॉट दिस कांसेप्ट, ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं है, v रिलेटिव का वैल्यू तो मैं इधर ऊपर से ऑलरेडी निकाल चुका हूं, इसको बस मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देखो यहां पे टेंशन मिल चुका है, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये डायग्राम में अभी फिलहाल के लिए आप रेड रेड मार्क से जो मार्क कर रखा है वो कैलकुलेशन है, तो उसको छोड़ दो, अभी सिर्फ आप ब्लैक डायग्राम को देखो, ठीक है, जो ब्लैक पेन से मार्क है। ये सर्फेस उसने दे रखा है एकदम बिल्कुल स्मूद है हर जगह पे, एक वेज है जिसका मास कैपलन दिखा रखा है और एक छोटा सा बॉल जैसा एक चीज दिखा रखा है जिसको मास स्मॉल एम कह रखा है, और ये वेज जो है ये बेसिकली एक वर्टिकल वॉल और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बीच में अटैच है, मतलब जस्ट कॉन्टैक्ट में, अटैच नहीं बोलेंगे, जस्ट कॉन्टैक्ट में प्लेस्ड है। क्वेश्चन उसने ये पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द मास एम ऑन द अदर साइड ऑफ द वेज, इसने ये पूछा है कि अदर साइड ऑफ द वेज में ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जाएगा, ठीक है, पहला पार्ट यही है। दूसरा पार्ट उसने पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द वेज कितनी होगी ये निकालो, ठीक है। ओके, अब ये सोचें कि जैसे इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, एक है जब ये मास नीचे आएगा, जब ये मास नीचे की तरफ जाएगा, मतलब वो जो भी छोटा सा बॉल दिख रहा है वो बॉल ही बोल देते हैं फिलहाल के लिए, बॉल अगर जब नीचे गिर रहा होगा तब उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जो सरफेस लगाएगा परपेंडिकुलर सरफेस, और एक एम जी तो लगेगा ही, बट फिलहाल के लिए मैं एम जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल रिएक्शन की दिखा रहा हूँ डायग्राम में, देखो तो नॉर्मल रिएक्शन तो एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह है, तो जो बॉल के ऊपर दिखा रखा है यू नो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो वेज पे भी लगेगा, और वो वेज का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हमने एम कॉस थीटा दिखा रखा है, इस पुशिंग फोर्स की वजह से ग्राउंड भी उसको क्या करेगा, वहां से पुशिंग फोर्स एन डब्ल्यू लगाएगा, ठीक है, सॉरी वॉल जो है उसके ऊपर एक पुशिंग फोर्स एन डब्ल्यू लगाएगा, ठीक है, तो इसलिए वेज जो है वो हिलेगा नहीं जब तक आपका जो बॉल है वो लोअर मोस्ट पोजिशन पे नहीं आ जाता, ठीक है। एक बार बॉल जो है अगर वो लोअर मोस्ट पोजिशन पे आ चुका है, एक बार बॉल लोअर मोस्ट पोजिशन पे आ गया, देखो लोअर मोस्ट पोजिशन को क्रॉस किया, तो उस केस में अगर आप नोटिस करोगे तो एन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आपके वेज पे आ रहा है, डी थीटा से मैंने टर्न करके दिखाया, मतलब कोई भी छोटा सा एंगल भी चला गया तो फिर उस केस में मतलब यू नो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा, और इस केस में आपका वेज जो है वो वॉल के साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा, क्योंकि एन साइन डी थीटा जो है उसका एक मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यू दिख रहा है मुझे, नॉन जीरो जो है, और इसकी वजह से आपका वेज जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, अगर सपोजली ये वेज फिक्स होता, अगर ये वेज फिक्स होता और आपने बॉल को उधर लेफ्ट वाले एक्सट्रीम एंड से रिलीज किया होता, तो रिलीज करने के बाद फिर ये राइट वाले एक्सट्रीम एंड पे ही जाके रुकता, मतलब आर हाइट ही ऊपर उठता, इसमें कोई डाउट नहीं था, क्यों, क्योंकि आपका जब बॉब जब जो बॉल है वो ऊपर से नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ और पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, उसका जब वो चढ़ेगा तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी फिर से उसको लूज करना है, क्योंकि वो वेज के ऊपर जब चढ़ेगा तो उसकी फाइनली रिलेटिव वेलोसिटी होगी आप जीरो हो जाएगी, और अगर वेज के रिलेटिव उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और वेज फिक्स है, मैं बोल रहा हूँ मतलब अगर वेज फिक्स होता तो फिर तो एक्जैक्टली उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसने पूरी लूज कर ली, तो फिर वापस से क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी उसको वापस से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो वापस से आर हाइट ऊपर उठ जाता, इसमें आपका फिक्स नहीं है, जैसे ही वेज के यू नो राइट हाफ में आपका बॉल आया तब तो अब वेज भी आपका मूव करने लग गया, मतलब वेज के पास भी काइनेटिक आने लगी है, अगर वेज के पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको कंजर्व रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इस बार जब बॉल की जब बॉल हाईएस्ट पोजिशन पे होगा, मतलब हाईएस्ट हाइट पे पहुंच चुका होगा, तो फिर उस केस में उसका रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेज वो जीरो होना पड़ेगा, उसका वेलोसिटी जीरो होना नहीं पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो होना नहीं पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेज जीरो होना पड़ेगा, मतलब वेज पे खड़े होकर देखें तो और ऊपर नहीं जा रहा है, सिंपल सा मतलब यही है, बट ये सोच के देखो जब तक ये ऊपर चढ़ रहा था तब तक तो नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेज को पुश ही कर रहा था राइट की तरफ, इसका मतलब वेज की वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी, तो इसी वजह से अब आप एक चीज सोच के देखो, जहां पे आपकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई है वहां पे वेज का और जो बॉब है मतलब बॉल है उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी, तो दोनों की वेलोसिटी आप कॉमन ले सकते हैं श्योर होकर, ठीक है। अब एच हाइट ऊपर मान लेते हैं वो लोअर मोस्ट पोजिशन के रिस्पेक्ट में एच हाइट ऊपर आ चुका है, ठीक है, फिर से वापस से अगर आप नोटिस करोगे तो मैं सिचुएशन जो कंपेयर कर रहा हूँ वो सिचुएशन ए और सिचुएशन बी को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे ही कॉन्टैक्ट छूट गई है वॉल से उसके बाद तो अब आपके सिस्टम पे हॉरिजॉन्टली कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहने वाला है, और अगर हॉरिजॉन्टली कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसके बाद अब आपकी चेंज नहीं कर सकती, यू कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अब आप मतलब जब वो लोअर मोस्ट पोजिशन को क्रॉस कर चुका है उसके बाद आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं कर सकते, और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं कर सकते इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर चेंज नहीं कर सकते इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम जो आएगी वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी आएगी। तो अब अगर सोचो इसमें अगर मैं बोलूं कि इनिशियली सिचुएशन ए पे काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम है हाफ म्यू इन रिलेटिव का स्क्वायर, मतलब v1 - 0 का स्क्वायर, क्योंकि वेज के पास कोई वेलोसिटी नहीं था,
उसके बाद सिचुएशन सी, सिचुएशन बी में अगर हम देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुका है। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है और उसी को क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। देखो वही चीज मैं यहाँ पे वापस से लिखा, देखो हाफ म्यू वी वन माइनस जीरो स्क्वायर एंड हाफ म्यू इंटू वी सी माइनस वी सी का स्क्वायर, वी सी माइनस वी सी का स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच का। नेक्स्ट टाइम से ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बार बार यू नो दो बार लिखा है मैंने क्योंकि आपको समझाने के लिए, आप म्यू इनटू वीसी माइनस वीसी का स्क्वायर लिखने का कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिखो ना कि आपको जब दिख ही रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो चुकी है इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है वहां पे, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ है, हाफ म्यू इनटू जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी वही तो हाफ म्यू इनटू स्क्वायर करना है एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड मिल गई है। ठीक है ओके, इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट में उसने बोला था कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वेज भी निकालनी है। अब बहुत लोग को ये लग सकता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ये वीजी जो हमने निकाल रखा है वीजी जो यहाँ से निकालेंगे वही हो जाएगा, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन बी में जो वेलोसिटी निकल रही है वही मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब यहीं पे गलत हो जाएगी, क्यों गलत हो जाएगी, हम ये सोचे कि वेज का वेलोसिटी बढ़ेगा कब तक, जब तक उसको राइट की तरफ एक फोर्स मिल रहा है तब तक तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब बॉब ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो या नीचे की तरफ आ रहा हो इससे क्या मैटर करता है, सोचो जब ये बॉब राइट हाफ में है, जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा था तो भी नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जब राइट हाफ से यू नो नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है तब भी तो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स राइट है। इसका मतलब बॉब जो है वो ऊपर नीचे स्विंग कर रहा है बट वेज के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन राइट की तरफ एक कॉम्पोनेंट दे रहा है वो आपका राइट हाफ में जब तक बॉब रहेगा तब तक मिलेगा। इसका मतलब जब ये बॉब नीचे उतर के जब बॉटम मोस्ट पोजिशन पे आ चुका होगा, मतलब राइट हाफ में एक्सट्रीम एंड पहुंच गया, उसके बाद फिर नीचे उतरते वक्त बॉटम मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया तब तक नॉर्मल रिएक्शन वेज को पुश ही होगा राइट की तरफ इस एक्सेलरेटली कराएगा, बट जैसे ही वो अब लेफ्ट हाफ में वापस से चढ़ना शुरू करेगा अब उसको डिसेलरेट कराएगा, क्यों, क्योंकि अब नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि आपकी जो वेज है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब जब ये जो बॉल है ये राइट हाफ में अपना एक्सट्रीम एंड पे जाके फिर वापस से नीचे की तरफ आके लेफ्ट हाफ में लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी रख रहा होगा तब के सिचुएशन में होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखा देता हूँ, देखो ये चीज मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, ये देखो डायग्राम दिखा रखा है, तो एक सिचुएशन ए है जहाँ पे टोटल मैकेनिज्म जो कंजर्वेटिव रहेगी आपकी वो तो चेंज नहीं हो सकती है। तो अभी आप अगर नोटिस करोगे तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं कॉन्टैक्ट छूटने के बाद, वेज से कॉन्टैक्ट छूटने के बाद, क्योंकि वेज से कॉन्टैक्ट के पहले छूटने के पहले वॉल याद करो एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहा था एनडब्ल्यू, तो दैट वाज एन एक्सटर्नल फोर्स और उसी की वजह से सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो आप राइट की तरफ वेलोसिटी अटेन किया है। तो से एम इनटू वी1 ये इनिशियल मोमेंट ऑफ सिस्टम बी, अब कैपिटल एम इनटू वी मैक्स एंड माइनस ऑफ स्मॉल एम इनटू वी2 कर लिया, ये आपका मोमेंटम ऑफ सिस्टम मिल चुका है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सिचुएशन ए और सिचुएशन बी ये आप सेम दिखाई सकते हैं कि आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल तो पहले दी थी वही है एकदम बॉटम मोस्ट पोजीशन पे दिखा रखा है, तो डायरेक्टली लिखो हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर जो इनिशियली है और हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर जो फाइनली है, ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू गेटिंग दिस। ठीक है ना, अच्छा जस्ट अ सेक, एक मिनट। यही बोल रहा था कि अब आपको अगर जैसे पहले तो ये हमने मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख ही लिया है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल रही है, और सेकंड हम काइनेटिक एनर्जी का यू नो कंजर्वेशन करेंगे क्योंकि पोटेंशियल जी आपको पता है कि कॉन्स्टेंट है, यू नो जब हम कंपेयर कर रहे हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को मतलब सिचुएशन ए और सिचुएशन बी को, तो काइनेटिक एनर्जी जब हम लिखेंगे तो हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर लिखेंगे, पहले केस में वी रिलेटिव आपका वी1 माइनस वी2 है और सेकंड डायग्राम में अगर देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों का ऑपोजिट है इसलिए वी रिलेटिव वी1 वी मैक्स प्लस वी2 हो जाएगा। मैंने पहले वी मैक्स माइनस वी2 लिख रखा था उसी को मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया, वी मैक्स प्लस वी2 लिखा है। ठीक है, पहले माइनस था, देखो ब्लैक से वो जो दिख रहा है वो एडिट की वही दिख रहा है, पहले माइनस था अभी प्लस किया है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक था वहाँ पे। अब अभी देखो एक एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, वी मैक्स प्लस वी2 की वैल्यू आ गई वी1, और पहला इक्वेशन से जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा उस इक्वेशन से मैंने स्मॉल एम को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है
उसके बाद फिर ये इक्वेशन को लिख के वापस से यहाँ से देखो वी मास की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v1 निकाल लिया है, तो v1 तो पहले ही निकला हुआ था रूट अंडर 2gr था, बस उसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से मुझे वी मैक्स मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई ये बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, ये काफी पॉपुलर सा क्वेश्चन है जी के लिए पर्टिकुलरली, यू नो अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर आप मुझसे करोगे तो दो मासेस मैंने दिखा रखे हैं, एक m1 और एक m2, ठीक है। और इस सिचुएशन में ये दे रखा उन्होंने कि इनिशियली स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ एंड मासेस वर एट रेस्ट एंड इंपल्स इज प्रोवाइडेड टू m1 टुवर्ड्स राइट गिवन बाय j इक्वल टू 24 kg पर सेकंड। इंपल्स मतलब कि अचानक से स्ट्राइक करके छोड़ दिया, जैसे कैरम को आप स्ट्राइक करके छोड़ते हैं, कैरम को कॉइन को या कैरम को स्ट्राइकर को जैसे स्ट्राइक करके छोड़ते हैं वैसे ही। अब m1 और m2 की मासेस दिए हुए हैं 3 kg और 8 kg, और अब क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग पूछा है और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ m2 पूछा है। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग निकालने का क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको ऑलरेडी, ये कोलिजन वाले जब मैं कंसेप्ट आपको सिखा रहा था तब मैंने आपको ये ऑलरेडी मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना सिखाया था, जैसे इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन से कंपेयर करके फिर निकालते थे, ठीक है। सेम कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करके देखो, सिंस आपको ये ऑलरेडी चुके हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर आता है, एंड आपको पता है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, और रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी तो मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है सेंटर ऑफ मास में थी हाफ इंटू म्यू इंटू जो भी इंपल्स टू वेलोसिटी m1 को मिली थी u1 माइनस जीरो का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मिल गई है, और बाद की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जीरो है। और अगर काइनेटिक एनर्जी की लॉस हो गई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट हुई है, और कहाँ चली गई है, पोटेंशियल एनर्जी में, तो उसको आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जो लॉस हुई है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। जो वेलोसिटी चाहिए मुझे m1 और m2 की इनिशियली, तो वो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। m1 का जो वेलोसिटी होगा वो सिंपली j / m1 कर लेंगे, तो जे आपको दिया हुआ है तो इससे 8 m/s आ गया, ठीक है। m2 की वेलोसिटी इस वक्त जीरो है, अगले बार जीरो, अगले पल जीरो नहीं होगी क्योंकि स्प्रिंग जैसे ही कंप्रेस होगा तो उससे m2 को वेलोसिटी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब उसने ये पूछा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ m2 कितनी है, m2 की मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर m1 की मैक्सिमम वेलोसिटी तो 8 m/s हो जाता, ये श्योर था, बट m2 की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है अब आपको ये सोचना है। बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि नो कि जैसे अगर जब मैक्सिमम कंप्रेशन था तभी आपका m2 का वेलोसिटी मैक्सिमम था, अभी गड़बड़ हो जाएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन के वक्त रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है, बट वो स्प्रिंग तो कंप्रेस्ड स्टेट में ही होता है, और स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड स्टेट में है तो m2 को तो तब भी वो पुश करेगा ना, जैसे कंप्रेशन जो है, जो कंप्रेशन आ चुकी है वो जब यू नो कंप्रेशन जो है वो रिकवर हो रही होगी, तो जब तक फुल्ली रिकवर नहीं हो जाता तब तक तो कंप्रेस्ड स्टेट में ही है, और जब तक कंप्रेस्ड स्टेट में है तब तक तो m2 को वो बाहर की तरफ पुश ही कर रहा है, मतलब राइट की तरफ पुश ही कर रहा है, तो राइट की तरफ अगर लगातार पुश कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी तो लगातार बढ़ी रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन आई है स्प्रिंग में तभी m2 की वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये नहीं है। मैक्सिमम कंप्रेशन के वक्त रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, बट m2 की वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि जब वापस से ये अपने नेचुरल लेंथ आ चुका होगा, मतलब ये नेचुरल लेंथ में जब आ चुका होगा तभी उस वक्त ही इसकी वेलोसिटी क्या होगी, m2 की मैक्सिमम होगी। बट उस वक्त उसकी अगर आपको कैलकुलेशन करना है कि उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो अब आप सोच के देखो कि आपके पास वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं। एक होगा कि आपको ये पता चल रहा है कि स्प्रिंग को वापस से नेचुरल लेंथ पे ही आना है, और अगर स्प्रिंग को वापस से नेचुरल लेंथ पे आना है इसका मतलब कि आप इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल जो इस सिचुएशन में देख रहे हो ये जीरो है, और जब उस फाइनल सिचुएशन पे आ चुका होगा जहां पे m2 के पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुका होगा तब भी जीरो होगा स्प्रिंग में कंप्रेशन। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी वही दोनों मासेस में अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है, एक चीज तो ये दिख रहा है। बट सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है आफ्टर द इंपल्स, इसका मतलब कि मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम तो आपको ऑलरेडी पता है m1 u1 है, बाद के लिए आप m1 v1 और m2 v2 मान लो, तो आपके पास दो वेरिएबल हो गए v1 v2 और दो इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन तो ये हो गया, और दूसरा क्या करो, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लो, हाफ m1 u1 हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अगर आप नोटिस करोगे तो v1 v2 में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है जिसमें सॉल्व करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये तरीका हो सकता है ग्राउंड फ्रेम से, बट इससे बेटर तरीका भी तो है, क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने आप को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिचुएट करें और इस मोशन को जस्ट एनालाइज करने की कोशिश करो कि कैसा दिखेगा। आपको एक चीज ऑलरेडी बताया मैंने कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है वो एक जीरो मोमेंटम फ्रेम है, मतलब m1 जो होगा अगर मुझे लेफ्ट जाता हुआ दिखेगा तो m1 राइट की तरफ जाता दिखेगा, अगर m1 राइट की तरफ आता हुआ दिखेगा तो m2 जो है वो लेफ्ट की तरफ आता हुआ दिखेगा।
तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी सोच के देखो कैसा होगा, जैसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर आप बैठ के देखोगे तो m1 का वेलोसिटी लेफ्ट और m2 का वेलोसिटी m1 का वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट और m2 का वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट इनिशियली दिखेगा। तो ये लोग दोनों मिलके क्या करेंगे, ऐसे कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे एक दूसरे को। अच्छा एक बार मैं इसको हाथ से करके दिखा रहा हूं, एक मिनट। देखो जैसे दो मास्टर्स हैं आपके पास, दो मास्टर्स हैं, ये दोनों मास्टर्स हैं, तो इन दोनों मास्टर्स के लिए क्या हो रहा है कि अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो, इफ यू आर सीइंग फ्रॉम ग्राउंड, तो क्या होगा ना ये लोग आपस में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे और पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो राइट की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास तो एक नॉन जीरो वेलोसिटी आ गई थी ना इंपल्स से, जैसे हमने इसको स्ट्राइक किया था एम1 को, तो उससे तो सेंटर ऑफ मास को तो मैंने एक वेलोसिटी दे दिया था, बस सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आ चुकी है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम आपका जो है वो राइट की तरफ आपका शिफ्ट कर रहा होगा, ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, बट इंडिविजुअल मासेस अपना ऑसिलेशन भी कर रहे होंगे, तो ये सिचुएशन ऐसा दिखेगा जैसे ये लोग आपस में ऑसिलेट कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ऐसे सिचुएशन होते हैं, तो ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और ये सिस्टम आपका राइट की तरफ शिफ्ट भी कर रहा है, तो ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये शिफ्ट हो रहा होगा, ये लोग आपस में ऑसिलेट कर रहे होंगे और ऐसे ऐसे शिफ्ट भी कर रहे होंगे, आई गेट इट, बट ये तो आपको ग्राउंड फ्रेम से दिख रहा है जो आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बट इंस्टेड अगर आप ये सोच के देखो कि अगर आप इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के देखोगे, मतलब सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं लोकेटेड होगा, आप वहीं पे अपने आपको सिचुएट करो और अब आप सोच के देखो, अब आपको ये जीरो मोमेंटम फ्रेम दिख रहा है, इसका मतलब एक अगर आपको इधर आता हुआ दिखेगा तो दूसरा इधर आता हुआ दिखेगा, राइट, फिर दूसरा अगर इधर जाता हुआ इधर जाता हुआ दिखेगा, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर आप इधर देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इधर ऐसे ऐसे मेरे मेरे मतलब मेरी तरफ आ रहा है, फिर मेरे से दूर जा रहा है, फिर मेरी तरफ आ रहा है, फिर मेरे से दूर जा रहा है, सेम चीज अगर इधर भी देखोगे तो ये मेरी तरफ आ रहा है, फिर मेरे से दूर जा रहा है, फिर मेरी तरफ आ रहा है, फिर मेरे से दूर जा रहा है, ऐसे से दिखेगा, तो मतलब यहाँ पे खड़े होकर जब आप देखोगे तो ये लोग ऐसे ऑसिलेट करते हुए दिखेंगे, बट पूरा का पूरा सिस्टम आपको शिफ्ट करता हुआ नहीं दिखेगा, तो मोशन काफी सिंपल दिखेगा, ओके। अब मैं वापस से स्क्रीन पे जाता हूँ, अब देखो इस पे तो वही चीज मैंने लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोथ द मासेस विल ऑलवेज मूव ऑपोजिट टू ईच अदर विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम सिंस सेंटर ऑफ मास इज अ जीरो मोमेंटम फ्रेम, ठीक है। तो इनिशियली देखो मैंने ये दिखा रखा है, ये इनिशियल कैलकुलेशन किया है मैंने, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाला है, ये इनिशियली लिखा है, ठीक है ना, इनिशियल सिचुएशन का है। Velocity center of mass निकाला 24/11 meter per second आ गया है, ये constant value होगा क्योंकि ये change नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कोई external force नहीं है। ये चाहिए मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। This is constant since F external equal to zero after इंपल्स, ठीक है, ओके। अब देखो अगर 3 kg मास का अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाला जाए तो फिर उस केस में क्या करना है, सिंस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट आया है और 3 kg का मास का वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट कितना था, 8 मीटर पर सेकंड, तो 8 में से 24/11 सबट्रैक्ट करके 64/11 आ गया। अब 8 kg मास का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाले तो फिर वापस से वही रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट, तो v8 - vcm करना है। अब VCM तो towards right था, तो V8 तो 0 था, मतलब 8 kg mass का तो velocity 0 था, क्योंकि उसको तो impulse नहीं मिला था, तो इससे -24/11 meter per second आ गया। minus से लिखा निकाल मतलब क्या है कि direction उल्टा होगा। आप एक चीज जस्ट देखो diagram में, देखो मैंने just velocities mark किया है, एक बार just calculation roughly करके देखो, linear momentum of 3 kg mass with respect to center of mass, 3 × 64/11, linear momentum of 8 kg mass with respect to center of mass, so 8 × 24/11, अगर आप notice करोगे तो 8 × 24 is exactly equal to 3 × 64, इसका मतलब ये दोनों momentum क्या हो रहा है आपका, match कर रहा है और direction में उल्टा है ही, तो net momentum आपका zero हो भी गया, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप ये सोच रहे हो center of mass पर बैठ के अगर आप देखोगे तो उस केस में इस situation के बाद क्या दिखेगा, 3 kg mass और 8 kg mass maximum compression वाले situation पे आएंगे, उसके बाद फिर compress state में तो रहेंगे नहीं, वापस से decompress भी करेंगे और अपने natural length पे भी आएंगे, natural length पे जब आएंगे तो वापस से जितनी आपकी यू नो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद, वो वापस से रीस्टोर मतलब रीस्टोर कर दी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उन्होंने, तो काइनेटिक एनर्जी वापस से अगर उतना ही मिल चुका है दोनों को, तो उस केस में जस्ट 8 kg का डायरेक्शन ऑफ मोशन उल्टा हो चुका है, 3 kg का भी डायरेक्शन ऑफ मोशन उल्टा हो चुका है और दोनों के पास स्पीड तो आपका सेम आ ही जाएगा,
ठीक है, तो उस केस में अब 8 kg का मास जो है वो वापस से राइट की तरफ मूव कर रहा होगा 24/11 से, और 3 kg का मास मूव कर रहा होगा 64/11 से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा होगा। ठीक है, एक चीज लॉजिकली सोच के देखो कि अगर मैं पूछूं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपको मैक्सिमम स्पीड 8 kg का मास का कितना दिखेगा, तो 24/11 ही होगा, क्योंकि 24/11 से जब वो लेफ्ट की तरफ आ रहा हो या राइट की तरफ जा रहा हो, दोनों केस में स्प्रिंग जो है नेक्स्ट मूवमेंट पे उसको स्लो डाउन कर देगा। जैसे अभी सिचुएशन में सोचें, जब ये नेचुरल लेंथ से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था 8 kg वाला मास, तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रहा था तो उसको पुश करेगा राइट की तरफ, इसका मतलब डिसलरेट कराएगा। जब ये नेचुरल लेंथ पे फिर से आ चुका होगा यू नो, और 8 kg वाला मास राइट की तरफ मूव कर रहा होगा, तो जैसे ही राइट की तरफ मूव करेगा नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो उसके बाद फिर क्या होगा, वापस स्प्रिंग फोर्स को अंदर की तरफ खींचेगा, मतलब लेफ्ट खींचेगा, और उसके बाद फिर उसको फिर से डिसलरेट कराएगा। इसका मतलब 8 kg का मास का जो मैक्सिमम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आएगा, दैट विल बी 24/11 ओनली। नाउ अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर 8 kg मास का वेलोसिटी लिखो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर 8 kg मास का वेलोसिटी लिखो, तो क्या लिखेंगे, v लिख रहे हैं, दैट विल बी v8 माइनस vc, एंड v8 अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, v8c एंड प्लस vc। आपको ये पता है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब कि अगर मुझे v8 का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो v8c का भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, एंड ये ध्यान रखना पड़ेगा कि v8c और vc सेम डायरेक्शन में हो, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब आता है जब दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 0 degree होता है ना। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि v8c और vc आपका सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और दूसरा v8c का भी मैग्नीट्यूड आपका मैक्सिमम लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि vc आपका कांस्टेंट है। बस दैट्स इट, बस यही तो कांसेप्ट आपको यूज करना, ये तो ऑलरेडी आपको समझा देता है कि v8c आपका मैक्सिमम कितना था, ये 24/11 ही था, और 24/11 में आपको vc ऐड करना है, vc कितना था, 24/11 ही था, तो 24/11 प्लस 24/11 कर दो, हो गया आंसर 48/11, देखो आंसर आ गया। आई होप एवरीबॉडी हैज गॉट दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक डायग्राम है जिसमें दिखा रखा है उन्होंने, एक स्मॉल बॉल है, द स्मॉल बॉल प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द इनर वॉल ऑफ द ट्यूब हैज मास m, द ट्यूब हैज मास 2m, द डायग्राम शोन is top view of a horizontal table, मतलब एक टेबल के सरफेस पे एक ट्यूब रख दिया है horizontally, मतलब उसको ट्यूब का ट्यूब मतलब वर्टिकल नहीं है, ठीक है ना, ट्यूब को ऐसे सरफेस पे लिटा के रख दिया, सुला के रखा है, ठीक है, और उसके इनर वॉल पे हमने एक बॉल जैसा एक कोई चीज रखा हुआ है कॉन्टैक्ट में, और उसको एक वेलोसिटी वी नॉट देके हमने छोड़ दिया है, पूरा का पूरा सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है और स्मूथ है, और जो अपना ट्यूब दिख रहा है वो ट्यूब भी आपका फ्री टू मूव है, ठीक है, ट्यूब भी यू नो फिक्स नहीं है। अगर ट्यूब फिक्स होता तब तो ये आराम से ये बॉल जो है वो उसके इनर वॉल पे घूमता रहता और यू नो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको आर मिल जाता, बट यहाँ पे ट्यूब फिक्स नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ट्यूब फिक्स नहीं है जिसका ध्यान रखना आपका। उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का लोकस क्या होगा, तो लॉजिकली सोच के देखिए कि यू नो कि सेंटर ऑफ मास मतलब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास को कौन मूव कराएगा ये सोच के देखो। सेंटर ऑफ हमने एक बार वेलोसिटी देके छोड़ दिया, उसके बाद तो कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल टेबल के सरफेस पे नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसकी तो क्या हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, नहीं। और अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब उसका तो सेंटर ऑफ मास की लोकस तो पक्का है आपकी स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है, दोनों की इंडिविजुअल मासेस की लोकस स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बट सेंटर ऑफ मास की लोकस आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। दूसरे पार्ट उसने ये पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल एट अ टाइम t इक्वल टू 1/3 or 2πr/v0 आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड, ओके, मतलब प्रोजेक्ट करने के बाद एक सर्टेन टाइम दे दिया है, उसके बाद भी पूछा है कि कितनी स्पीड होगी बॉल की, वो निकालनी है हमें। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सोचते हैं कि इस सिचुएशन को यू नो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर करते तो कैसा दिखता, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले निकाल ली हमने, ये देखो m1v1 + m2v2 / m1 + m2 करके निकाल लिया, तो यहां से मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल चुकी है, और अब आपको ये पता है कि ये वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, तो वेलोसिटी अगर ये चेंज नहीं कर रही है तो हम अपने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के रिवर्ट एंड ऐड लगाते हैं बस, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ मास में फ्रेम में बैठ के रिवर्ट एंड ऐड लगाया, तो v0/3 से राइट की तरफ जा रहा था, तो v0 से v0/3 सबट्रैक्ट करो तो 2v0/3 आएगा टुवर्ड्स राइट, एंड जो ट्यूब है ट्यूब का जो सेंटर है वो लेफ्ट, ठीक है, तो ट्यूब का जो सेंटर है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है v0/3 से, एंड ट्यूब का ट्यूब के कॉन्टैक्ट में जो बॉल था वो राइट की तरफ मूव कर रहा है 2v0/3 से। देखो ये जीरो मोमेंटम आ रहा है कि नहीं सिस्टम का, मैंने बॉल का मास आपको कितना दिया था, m दिया था, और रेन का मास 2m दिया था, तो m इंटू 2v0/3 एंड 2m इंटू v0/3 दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मोमेंटम आपका जीरो आ ही रहा है, ठीक है।
अब एक चीज सोच के देखो, आपको सिस्टम का मोमेंटम जो है वो हमेशा जीरो, और सेंटर ऑफ मास में आपको सिस्टम का लीनियर मोमेंटम नॉन जीरो दिख ही सकता है। तो एक चीज सोच के देखो, इन दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा अपोजिट दिखना है, और सेंटर ऑफ मास को फिक्स भी रखना है, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर फ्रेम में आप जब यू नो बैठ के देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि यू नो टेंजेंशियली तो दोनों को यू नो दोनों को लाइन कनेक्ट करता हुआ, जो कनेक्ट करता हुआ लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी दे रखा है। और उसके बाद फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता था, जैसे आप ये सोचते हैं कि अगर ऐसा चला जाता है, इमेजिन करो कि मतलब इन दोनों के बीच में जो जो सेंटर ऑफ ट्यूब है और जो बॉल दिखा रखा हमने, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, वो आर ही रहना है। तो अगर वो आर डिस्टेंस को मेंटेन करना है दोनों के बीच का, और दोनों को मूव भी कराना है, तो इसका मतलब है कि बेसिकली दोनों को कनेक्ट करता हुआ लाइन का बीच का सेपरेशन को फिक्स करके अगर घुमाओगे तो सिचुएशन कैसा दिखेगा, आप सोच के देखो, खुद ही सोच के देखो कैसा दिखने वाला है। अगर मैं ऐसे सोचूं कि इनिशियली वो लाइन को ऐसा दिखा रहा हूं मैं, ये चेक करो, पहले ये वाली लाइन जो थी वो ऐसी कुछ थी, येलो वाली लाइन चेक करो, ठीक है, मैंने ड्रॉ किया, देखो येलो वाली लाइन, और बाद में जो है वो एक सर्टन एंगल घूमने के बाद देखो दिखा रखा है ये ऑरेंज वाली, देखो ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो इस केस में सोच के देखो, ये टर्न भी कर रहे हैं, आप सोचो ये टर्न भी कर रहे हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन फिक्स है, तो इस केस में आप एक चीज क्लियरली देख पाओगे कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों मासेस का जो लोकस है वो इंडिविजुअली एक एक सर्कल है, और वो सर्कल का रेडियस जो है वो आप आराम से सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से यू नो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ एम निकालना है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास 2m के प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस ऑफ 2m है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो m के प्रोपोर्शनल होगा, by 3 or 2r by 3 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मिल ही जाएगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज सोच के देखो कि आपको ये पता चल चुका है कि तीन मासेस जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कैसे पता चला, स्पीड क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि स्पीड चेंज करने के लिए, स्पीड अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर तो यू नो उसके पीछे कोई यू नो दोनों के लिए कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स यू नो मिलनी चाहिए थी। अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगा तो फिर उस केस में तो सिस्टम की एनर्जी आप चेंज नहीं कर सकते ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रही तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। तो इस केस में आप सोच के देखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करके चलना है, यू आर सपोज टू मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन देम एंड यू आर ऑल्सो सपोज टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। तो उस केस में आपको ये सिचुएशन हमेशा ऐसा ही दिखने वाला है कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दोनों मोशन हमेशा चेंज कर रहा है, बट स्पीड जो है वो कभी भी चेंज नहीं कर रही होगी। अब अगर ऐसे सोचे कि जैसे अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी अगर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालूं, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास या फिर विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वे निकाले, ईच अदर वे निकाले, तो भी सेम ही आएगा। ओमेगा की वैल्यू मैंने देखो दोनों की तरफ से निकाल रखा है, देखो दोनों मासेस में से किसी एक से भी निकाल लो, वेलोसिटी आपको पता ही है और डिस्टेंस भी पता है, तो वो डिवाइड करके निकाल सकते थे, या फिर डायरेक्टली रिलेटिव वेलोसिटी वाइज रिलेटिव सेपरेशन भी कर सकते थे। रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता है वी नॉट था और रिलेटिव सेपरेशन आ था, तो वी नॉट बाय आर कर लेते, तो ये ओमेगा आपको कॉन्स्टेंट ही दिख रहा है, और जो टाइम उसने दे रखा है 1/3 ऑफ 2 पाई आर बाई वी नॉट, इससे कितना एंगल घूम रहे हैं वो लोग वो भी निकाल लिया हमने, देखो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी करके, तो ओमेगा आपको पता है वी नॉट बाई आर है मल्टीप्लाई रोटेशन मिल रहा है, इसका मतलब 120 डिग्री दोनों घूम चुके हैं अपने एफेक्टिव पोजीशन से, 120 डिग्री घूम चुके हैं इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो 120 डिग्री घूमने के बाद दोनों की स्पीड देखो मैंने मार्क कर रखी है 2 v0 by 3 और v0 by 3 ब्लैक पेन से देखो मार्क कर रखी है। अब उसने ये पूछा था हमसे कि स्पीड ऑफ द बॉल एट टाइम t इक्वल टू दिस आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड निकालना था, तो इस टाइम पे जब मुझे स्पीड पूछा है तो ये जो स्पीड मैंने मार्क कर रखा है तो ग्राउंड फ्रेम में। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको ऑलरेडी पता है वो v0 by 3 थी, तो वो v0 by 3 को आपको वेक्टोरियली इसमें बस ऐड कर लेना है। और देखो ये डायग्राम में दिखा, देखो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो वेलोसिटी ऑफ बॉल इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो टुवर्ड्स राइट v0 by 3 फिक्स्ड है, और वेलोसिटी ऑफ जो बॉल था वो 2 v0 by 3 था एंड इट वाज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देखो डायग्राम में देखो ये मार्क किया हुआ है, ये देखो, तो ये डायग्राम इसी को यूज किया मैंने यहां पे, देखो यहां पे। उसके बाद तो सिंपली कंपोनेंट ब्रेक कर लिया 2v0 by 3 का, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे कैंसिल कर गया, सिर्फ वर्टिकल आ गया, तो v0 by 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें एक और अच्छी क्वेश्चन ये हो सकती थी कि उसने ये पूछ लेते अगर
कि यू नो रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ट्यूब एंड द बॉल कितनी होगी किसी भी एक इंस्टेंट पे, अगर मान लो निकालनी है हमें, ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं। अब इसमें देखो एक चीज लॉजिकली सोच के देखो, बस से अगर ये रिंग फिक्स, मतलब ट्यूब जो है अगर वो फिक्स होता तो आप वापस से श्योर होके कह सकते थे कि ट्यूब अगर फिक्स होता तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ही बनता। बट आपको ये पता है कि ट्यूब फिक्स नहीं है, और ट्यूब फिक्स नहीं है इसका मतलब क्या है कि आपको उसको फिक्स बनाना पड़ेगा। तो ट्यूब को फिक्स कैसे बनाए, ट्यूब के ऊपर बैठ गए, वी सेट अ ट्यूब, और जैसे ही अगर ट्यूब पे बैठे तो अब आपको जो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको समझ आ रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको कितना दिख रहा है उसमें, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दिख रही है उसकी, सोच के देखो, कितनी दिख रही है, वी नॉट दिख रही है ना, समझ आ रही है आपको। आप याद करो कि रिंग का जो, मतलब सॉरी ट्यूब का जो सेंटर था, वो ट्यूब का सेंटर कहाँ पे था, ट्यूब का जो सेंटर है उससे बॉल का जो डिस्टेंस था वो तो आर था, और बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया था वी नॉट वेलोसिटी से, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था, आर था, ट्यूब का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वी नॉट का स्क्वायर बाय आर, ये हो गया एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ रिंग। बट is the center of ring unaccelerated? अब ये सोच के देखो, is the center of ring unaccelerated? No. कैसे पता? क्योंकि जो ट्यूब और बॉल है उनके बीच में कॉन्टैक्ट है, और कॉन्टैक्ट की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आ रही है, और वो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आपका जो ट्यूब है, ट्यूब का सेंटर भी बेसिकली क्या कर रहा है, गोल गोल चक्कर काट रहा था। याद है आपको, ट्यूब का सेंटर जो है वो गोल गोल चक्कर काट रहा था अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब कि ट्यूब का एक्सेलरेशन पहले आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसका सूडो फोर्स भी कंसिडर कर सके। तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं बन रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम ट्यूब के सेंटर पे बैठ के कैलकुलेशन करते तो वो हमारे लिए आसान नहीं। इंस्टेड हम क्यों ना ऐसा करें कि ट्यूब के सेंटर पे नहीं बैठ के हम सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम पे बैठ जाए, और सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम पे अगर बैठे तब तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास इज अनएक्सेलरेटेड, इसलिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो आपको एक्सेलरेशन दिखेगा वही एक्सेलरेशन आपको कहां पे दिखेगा, ग्राउंड फ्रेम में भी दिखेगा। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो आपको दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी पता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, अगर मैं रिंग वो बॉल करता तो वो तो 2v0/3 उसकी वेलोसिटी थी, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था, 2r/3 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ध्यान रखिएगा। तो 2v0/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2r/3, ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया, एंड फिर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mv2/r कर लिया, समझ आ रही है, मतलब m into 2v0/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4/3, ये आपको नॉर्मल रिएक्शन भी उन दोनों के बीच की मिल गई है। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का डायग्राम था, ये वर्टिकल प्लेन नहीं था। ये चीज हमने रियलाइज किया है, देखो, तो सेम चीज अगर मैं इसके रिंग के लिए भी करता, सोच देखो, अगर भी रिंग के लिए करता, देखो ऐसे सोचिए, देखो अगर मैं फॉर रिंग अगर दिखाता, ये चेक करो, हम ध्यान रखो कि हम वापस से अपने सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए थे, ठीक है ना, और रिंग का सेंटर यहाँ पे था, दिस हैड अ मास ऑफ m, राइट, नो m ऑफ m, नो 2 m, हां 2 m, ठीक है। और यहां से सोचो, ये अभी सोचो कि ये r by 3 रेडियस के सर्कल में गोल गोल चक्कर काट रहा है, ठीक है, ये रिंग का सेंटर, ठीक है। अब इसमें अगर आप सोचोगे, जैसे इसमें सोचो, देखो एक बार डायग्राम, मेन डायग्राम आप ले जाते हैं, इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है, सोचो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट जो है, यहां पे जो फोर्स, जो नॉर्मल रिएक्शन इस बॉल को अंदर की तरफ मिल रही है, वही नॉर्मल रिएक्शन इस रिंग को बाहर की तरफ मिल रही है, ठीक है ना, यही नॉर्मल रिएक्शन इस रिंग के सेंटर को, देखो गोल गोल चक्कर कटवा रहा है, रिंग के सेंटर को गोल गोल चक्कर कटवाने के लिए या रिंग या ट्यूब बोलो, वो रिएक्शन इसके ऊपर जो बाहर की तरफ लग रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है। इस केस में डायग्राम में यहाँ पे यही दिखा रहे हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा है सेंटर पे लगता हुआ, बट ये ध्यान रखना सेंटर पे नहीं लगा था, ठीक है ना, ये नॉर्मल एक्शन दिखाया, और इसका एक्सेलरेशन जो है
ये यहाँ पे आपका v नॉट बाई थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बाई थ्री आएगा. दैट्स इट. कॉलेक्शन अगर यहाँ से निकालते तो भी देखो सेम आता. दिस इज 2m इनटू v नॉट बाई थ्री का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई आर बाई थ्री एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 2m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री. गॉट इट. अगर ये विद रिस्पेक्ट टू कर देखो, अब आप सोचिए देखो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ रिंग अगर करते हैं. आप ध्यान रखो अब सेंटर ऑफ रिंग का भी आपको एक्सेलरेशन पता है v नॉट बाई थ्री का स्क्वायर बाई आर बाई थ्री, तो आप सूडो फोर्स भी लगा सकते हैं. तो अब आप सही कर पाते हैं. ठीक है, अब देखो मैं उस तरीके से कर रहा हूँ. This is our, यहाँ पे हमारा वो बॉल था जिसको हमने प्रोजेक्ट किया था वेलोसिटी v नॉट के साथ. ठीक है, ये ध्यान रखना था कि इसकी एक्सेलरेशन, दिस हैड एक्सेलरेशन ऑफ v नॉट बाई थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर बाई थ्री. सो दिस हैड एन एक्सेलरेशन ऑफ v नॉट का स्क्वायर बाई थ्री आर. सो अब मैं जब अपने फ्रेम को यहाँ पे फिक्स करता हूँ तो अब मुझे सूडो फोर्स को लगाना पड़ेगा अंदर की तरफ. ये देखो ये सूडो फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी अंदर की तरफ है और एक सूडो फोर्स भी है. एंड दिस सूडो फोर्स एम इनटू वी नॉट स्क्वायर बाय थ्री आर. ठीक है, एंड ये रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ये रिलेटिव लिख रहे हैं. ठीक है, दैट विल बी वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय आर. ठीक है, लिखने का तरीका देखो कैसे चेंज हो रहा है. सो देयरफॉर अब इक्वेशन क्या लिखोगे आप? सो नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम इनटू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आर इज इक्वल टू एम इनटू वी नॉट का स्क्वायर बाय आर. सो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स 2/3 ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर. हो गया आंसर. आई होप आपको समझ आ गई है, क्लियर है?